देहरादून में 1000 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं, लेकिन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के नाम पर क्या पढ़ाया जाता है? आपको बता दें कि इस वक्त 419 मदरसे मदरसा बोर्ड चला रहे हैं, 103 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं और करीब 500 मदरसे प्राइवेट हैं। वहीं सरकार अब मदरसों को हाईटेक करने और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए लगातार काम भी कर रही है। वहीं अल्पसंख्यक मंत्री चंद्र रामदास के द्वारा विधानसभा में एक समीक्षा बैठक की गई। इसमें उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि 1 महीने के अंदर मदरसों की जाँच करके रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने कहा है कि जितने बोगस मदरसे हैं उसे बंद कर दिया जाएगा और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक चलने वाले मान्यता प्राप्त मदरसे को हाईटेक बनाया जाएगा और हाईटेक मदरसों में कंप्यूटर की व्यवस्था, उच्च तकनीकी शिक्षा और ड्रेस की व्यवस्था भी की जाएगी। इन मदरसों को एक मॉडल के रूप में दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इससे 1 महीने पहले भी सभी जिला अधिकारियों को मदरसे की जांच के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक जिला अधिकारियों के पास जांच रिपोर्ट नहीं आई है। 3 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हमने वृद्ध और वृद्धा को पेंशन देने का निर्णय लिया और आज मेरे पास जो सूचना आई है विभाग की, लगभग 80,000 नए लोगों ने आवेदन किया है और उसको हम इसी महीने पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं।